Good morning all. So today we are going to discuss about the order of magnitude. Now what is order of magnitude? Order of magnitude for any physical quantity tells us the nearest power of 10 it belongs to. Right? I repeat again. The order of magnitude of a physical quantity is the power of 10 which tells us magnitude. Ki ye hundreds mein hai, thousands mein hai, lakhs में है. What is the order? कितने range का इसका order है? Right? There is a specific method to find the order of magnitude. Just a minute. Right? So what is that method? Any number we write in the terms of n into 10 की power x. I repeat, any number, whatever number we have to convert it to the 10 की power of x. कोई किसी भी number को पहले हमें इस form में convert करना है. उस number को अलग करना है और बचा हुआ सब कहाँ लिखना है? 10 की power x में लिखना है, right? After that, this x is called as the order of magnitude. ये जो x है ये हमें बताएगा कि उस value का, उस physical quantity का order of magnitude कितना है, right? अगेन ये नंबर कहाँ होना चाहिए, ये नंबर कितना होना चाहिए? दिस नंबर शुड बी हाई, दिस नंबर शुड बी लो, दिस नंबर ऑल्सो हैज अ रेंज. तो ये नंबर की रेंज क्या होती है? इस नंबर को हमें इस तरह से कन्वर्ट करना है कि दिस नंबर शुड बी ग्रेटर देन 0.5, इक्वल और लेस देन 5. मतलब कोई भी मैथमेटिकल नंबर को हमें इस रेंज के अंदर लाना है. आई रिपीट, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड टेल्स यू द पावर ऑफ 10 अप टू विच द वैल्यू एग्जिस्ट. उसका ऑर्डर कितना है? वो टेंस में है, हंड्रेड्स में है, थाउजेंड्स में है, टेन थाउजेंड्स में है, लैक्स में है, वट एवर इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. हाउ डू वी कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? वी ऑलवेज राइट द नंबर इन द पावर ऑफ 10. उसको हमें नंबर को पावर ऑफ 10 में कन्वर्ट करना है. कन्वर्ट करने के बाद ये एक्स जो है, ये जो एक्स है, ये एक्स हमारा आंसर होगा, राइट? और ये नंबर कौन सी रेंज में होना चाहिए? दिस नंबर शुड लाई इन द रेंज ऑफ 0.5 to 5. दैट इज द नंबर शुड बी ग्रेटर देन 0.5, ग्रेटर देन 0.5 और इक्वल और लेस देन 5. दैट इज हाउ वी हैव टू चेंज द नंबर, राइट? वंस वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट, देन वी विल, आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड दैट. अच्छा, इससे पहले मैं, आई थिंक यू मस्ट बी अवेयर कि कोई भी नंबर है 2, 5, 3, 6, 7, इसको मुझे साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए, स्टैंडर्ड फॉर्म इज साइंटिफिक नोटेशन. साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है डेसिमल आफ्टर फर्स्ट डिजिट. अगर हम डेसिमल को फर्स्ट डिजिट से पहले ले आए, अभी ये कोई नंबर है, इसमें डेसिमल है यहां और इसमें डेसिमल है यहां पे, इसको मैं और यहां कर देती हूं 0.2537 और इसमें डेसिमल है यहां पे. तो साइंटिफिक डिजिट में क्या होता है? डेसिमल हमेशा फर्स्ट डिजिट के बाद आता है. दैट इज हाउ, सी एवोगाड्रोज नंबर 6.023 × 10⁻²³. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻¹⁹. सो जितने भी तुम कॉन्स्टेंट्स देखोगे जो साइंटिफिक नोटेशन की टर्म्स है, जो स्टैंडर्ड वैल्यू हम यूज करते हैं, हमेशा साइंटिफिक नोटेशन में होती है. साइंटिफिक नोटेशन का मतलब पहले डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए. मतलब ये डेसिमल कहाँ होना चाहिए? ये डेसिमल यहाँ राइट में आना चाहिए. जब भी डेसिमल राइट साइड में जाता है तो हम इसको लिख सकते हैं 2.5367 × 10⁻¹. राइट में गया है तो नेगेटिव पावर. कितने प्लेस राइट में गया है? चलो इसको और थोड़ा बड़ा बना देते हैं, 0.0025367. अब ये डेसिमल हमें कहां लाना है? राइट में. कितने प्लेसेस राइट? 1, 2, 3. तो 10 की पावर क्या होगी? 10 की पावर होगी 3. जब भी डेसिमल राइट में जाता है तो नेगेटिव पावर इंक्रीज होती है, नेगेटिव पावर. आई होप यू नो दिस. It is not related to this. This you must be aware in the previous classes. और decimal, अब ये कोई number है तो decimal हमें कहाँ ले जाना पड़ेगा? यहाँ ले जाना पड़ेगा, क्योंकि इसको scientific notation में convert करने के लिए 2.5367 into 10 की power left में गया decimal. 1, 2. कितने places left गया? 2 places. तो
जब भी डेसिमल लेफ्ट में जाता है तो 10 की पॉजिटिव पावर इंक्रीज होती है, और 10 की पावर क्या होती है? पॉजिटिव. दिस इज, आई होप यू आर अवेयर, राइट. अभी इसी नंबर को, सपोज देयर इज अ नंबर, ये ही नंबर ले लो, फाइंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2, 5, 3, 6, 7. सो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. साइंटिफिक नोटेशन का मतलब जो नंबर आना चाहिए या तो 0.5 से ज्यादा हो या 5 से कम हो. अभी सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं, ये हो जाएगा 2.5 इंटू, ये अंडरस्टूड जीरो, कोई डेसिमल नहीं है तो अंडरस्टूड जीरो, 1, 2, 3, 4. कहाँ आया? 4 प्लेसेस लेफ्ट में. लेफ्ट में आया तो क्या होगी? पॉजिटिव पावर, 10 की पावर 4. क्या ये नंबर इस रेंज में है? यस, क्योंकि ये नंबर 0.5 से बड़ा है और 5 से छोटा है. तो हमारा आंसर क्या होगा? ये तो नंबर है. सो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा? ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा. हमारा आंसर क्या होगा? 2. 2 से हमें क्या पता चलता है? 2 से हमें पता चलता है, सॉरी 4, दिस इज द आंसर 4. सो 4 से हमें क्या पता चलता है? 4 से हमें ये पता चलता है कि ये जो भी नंबर है 10 की पावर 4, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है. मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 10,000 में है. कैसे पता चला 10,000 में? क्योंकि इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना है? 4. ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड टेल्स अस, यस, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड टेल्स अस द रेंज ऑफ आंसर. क्लियर? एक और लेते हैं नंबर. बहुत सारे नंबर्स ले लेते हैं, चलो. दिस इज अ नंबर, दिस इज द चेंज फॉर्म और से साइंटिफिक नोटेशन, एंड हेयर वी हैव टू राइट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, राइट. 8. डज 8 लाइज इन दिस रेंज? नो. डज इट लाइज? नो. सो 8 को हम क्या मान सकते हैं? अंडरस्टूड डेसिमल, 8.0 बना लो. अभी इस रेंज में लाना है नंबर को, क्या लिखेंगे? इसको लेफ्ट में ले जाओ, 0.8 लेफ्ट में गया तो, लेफ्ट में गया तो 10 की पावर पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू 10^1. ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है? 1 है. क्लियर? सेकेंड नंबर 49, अंडरस्टूड 0, वी हैव टू कंसीडर, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, 4.9 इंटू 10^1, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 1. नाउ यू सी, 8 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड भी 1 है और 49 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड भी 1 है, राइट. नाउ लेट अस टेक 51 में अंडरस्टूड डेसिमल, इसको इधर लेके आएंगे, 5.1 इंटू 10^2, लेफ्ट में लेके आए तो 1. क्या ये हमारे काम का है? नहीं, क्योंकि ये इस रेंज में ही नहीं है. तो क्या करना पड़ेगा? इट शुड बी इन दिस रेंज. वी हैव टू मेक इट 0.51 इंटू 10^2. अब ये इस रेंज में आ गया, इस रेंज में होना चाहिए हमारा नंबर. तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 2. नाउ यू सी, 49 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 था, लेकिन जैसे ही वो 51 बना तो उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 2 हो गया. द नंबर शुड बी ग्रेटर देन 0.5 एंड लेस देन 5. सारे नंबर्स को हमें इसी तरह से कन्वर्ट करना है, राइट. नेक्स्ट ले लेते हैं 555. यस, टेल मी द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 3. वाई? बिकॉज वी कैनॉट मेक इट 5.55, राइट. साइंटिफिक नोटेशन नहीं, कन्वर्जन लिख देती हूँ, क्योंकि सारे के सारे साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है. सो वी राइट हेयर द कन्वर्टेड फॉर्म, राइट, इंटू 10^3. ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 3. नेक्स्ट इज 999. यस,
Yes. No, not 5. Greater than 0.5 or yes, equal to 5. Less than or equal to 5. Equal to can be considered. Right? Yes. Tell me the order of magnitude. Order of magnitude is 3. Right? Chalo, aur koi number lete hain. 0.99. Order of magnitude. Order of magnitude is 0. Very good. Because ये already इस range में है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.99 into 10 raised to power 0. 10 raised to power 0 is 1. So what is the order of magnitude? Order of magnitude is 0. Right? Now I'll take one more. 0.05. Tell me the order of magnitude. Minus order of magnitude is, इसको यहां लेके आएंगे. अभी अंडरस्टूड डेसिमल के लिए हम यहां जीरो लगा सकते हैं. कहां लाना पड़ेगा इसको? यहां, क्योंकि अगर यहां लाया तो ये 0.5 होगा. 0.5 में यहां इक्वल नहीं है, 0.5 से ग्रेटर होना चाहिए. तो व्हाट वी विल राइट? वी विल राइट इट एज 5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2. सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? माइनस 2. माइनस 2 इज द करेक्ट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. Now any number, you can tell what is the order of magnitude. I am giving you a number 73564. What is the order of magnitude? कितना बड़ा है ये number? कैसे पता चलेगा order of magnitude से? So what is the order of magnitude? 4. मतलब ये number कैसा है? 10,000s की range का है. That tells us the order of magnitude. You tell me the order of magnitude of human height in meters. सेवन पॉइंट शुड बी 5. यस 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 यस, करेक्ट करेक्ट, नॉट 4. राइट ऑब्जर्वेशन. द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 5, क्योंकि हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? 0.73564 इंटू 10 रेज टू पावर, लेफ्ट में गए तो 5, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 5. वेरी गुड. यस, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ह्यूमन हाइट इन मीटर्स? बाय 0. बिकॉज फीट्स में तो 5 पॉइंट समथिंग और समथिंग होता है, लेकिन अगर हम मीटर्स में देखें अपना हाइट, तो कितना होगा? 1 पॉइंट समथिंग ही होगा ना. 2 मीटर्स तो हार्डली होगा किसी का. सो अवर हाइट इज 1 पॉइंट समथिंग, 1.3, 1.4, 1.5. आई एम आस्किंग यू इन मीटर्स, नॉट इन फीट्स. सो 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग मीन्स इट इज इन द रेंज. इट मीन्स 1 पॉइंट समथिंग इंटू 10 रेज टू पावर 0. वॉट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ह्यूमन हाइट? इट इज 0. गॉट इट? Very good. So certain order of magnitudes have been given. You can go through them, and that is how we find the order of magnitude. Yes, tell me one more. Order of magnitude of 0.0000521. What is the order of magnitude? Solve and tell me. The order of magnitude is 5 किया तो 1, 2, 3, 4, 5 यहां चला जाएगा, 5.2 हो जाएगा. और 5.2 हम नहीं कंसिडर कर सकते. वी हैव टू टेक मैक्सिमम अप टू 5. इट शुड बी -4. करेक्ट, इट शुड बी -4. वाई? बिकॉज वी हैव टू टेक दिस अप टू हियर, देन इट बिकम्स 0.521 हमारा इस रेंज में आता है. राइट, 5 से ग्रेटर होना चाहिए. 5 भी हुआ then also we cannot take, we have to consider greater than 5. Right, so the order of magnitude is -4. I hope you understood.